अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेश दौरे पर निकले हुए हैं। 20 मई को वो सबसे पहले सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी के बाद ट्रंप इजराइल गए। बुधवार को ट्रंप अपनी वाइफ मेलानिया के साथ वेटिकन सिटी पहुंचे। वेटिकन सिटी पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एक मजाकिया लम्हा आया जब पोप फ्रांसिस ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से पूछा कि वो ट्रंप को क्या खिलाती हैं। खबरों के मुताबिक पोप के सवाल पर मेलानिया ने उनसे पूछा कि क्या वो पिज्जा की बात कर रहे हैं। असल में पोटिका का पारंपरिक उच्चारण पोतेज्जा से बहुत मिलता जुलता है। यही वजह है कि पहले पहल मेलानिया ने इसे पिज्जा समझ लिया होगा। बाद में जब मेलानिया को पोप की बात समझ आई तो वो मुस्कुरा दी। दरअसल ट्रंप की पत्नी मेलानिया स्लोवेनिया की रहने वाली हैं और स्लोवेनिया में हाई कैलोरीज पेस्ट्री केक पोटिका खूब पसंद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पोप फ्रांसिस को पोटिका खूब पसंद है, इसलिए जब भी वो स्लोवेनिया के किसी शख्स से मिलते हैं तो उससे पोटिका का जिक्र जरूर करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।